एक्ट्रेस, मॉडल और अपने बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली पूनम पांडे की मौत की खबर आई। सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत का कारण पता चला, सर्वाइकल कैंसर। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी अंतरिम बजट 2024-25 में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन को बढ़ाने का ऐलान किया था। उसके ठीक कुछ घंटे बाद द फेमस सेलिब्रिटी का इसी सर्वाइकल कैंसर से निधन हो जाना, ये खतरा कितना बड़ा है और इसकी जानकारी कितनी अहम है, इस बात को साफ करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसको लेकर बताते हैं कि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के जोखिमों को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता होती है। ये कैंसर क्या है, इसे समझते हैं। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला गंभीर प्रकार का कैंसर माना जाता है। सर्विक्स यानी कि आपके गर्भाशय, जिसे कोक भी कहा जाता है, उसका निचला हिस्सा होता है जो योनि से जुड़ता है। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV के संक्रमण के कारण होते हैं। HPV एक आम वायरस है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। WHO के मुताबिक यौन रूप से सक्रिय कम से कम आधे लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी HPV संक्रमण हो सकता है। हालांकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस संक्रमण को कम कर देती है। ये तो बात हुई सर्वाइकल कैंसर के बारे में, अब आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि 35 से 44 वर्ष की उम्र में लोगों में सर्वाइकल कैंसर का सबसे अधिक निदान होता है। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन के कारण इस दर में गिरावट आ रही है। सभी लोगों को इसके लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत में लक्षण बहुत साफ पता नहीं चलते और यही कारण है कि ज्यादातर बार महिलाओं को इसके गंभीर होने के बाद ही कैंसर का पता चलता है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि सामान्यता और सर्वाइकल कैंसर के मद्देनजर ध्यान देते रहना चाहिए। इसमें मासिक धर्म के बीच में या सेक्स के बाद असामान्य रक्तस्राव का ध्यान देना चाहिए। योनि से स्राव जो कि सामान्य से अलग दिखता या गंध देता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पेल्विक हिस्से में अक्सर दर्द बने रहना, बार बार पेशाब करने की आवश्यकता और पेशाब के दौरान दर्द होना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो जांच के लिए अपने डॉक्टर से मिले। हालांकि उल्लेखनीय है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अगर सही उम्र में इस वैक्सीन को लगवा लिया जाए तो इस गंभीर बीमारी को 98% तक कम किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में इस बीमारी से बचने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर सही से पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। सर्वाइकल कैंसर को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रोका जा सकता है, जिसका वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में जिक्र किया। सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। वहीं अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कैसे बीते दशकों में की तेजी के साथ बढ़े हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर 1,23,907 मामले के साथ 18.3% की दर के साथ तीसरा सबसे आम कैंसर है। रिपोर्ट के अनुसार 9.1% की मृत्यु दर के साथ ये महिलाओं में मौत का दूसरा प्रमुख कारण भी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।